दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 का यहाँ पे आगाज हो गया है। वहीं पे हर टीम अपना जो है 100% दे रही है नेट्स में। वहीं पे आज सुबह प्रैक्टिस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिक फ्रिक में। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शान मसूद जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वो आज यहाँ पे नेट्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ गंभीर चोटिल हो गए हैं। काफ़ी उन्हें गंभीर चोट आई है, सर के पीछे उन्हें बॉल लगी थी दाएं साइड, जिसके बाद वो वहीं पे गिर गए थे। पूरा मामला ये था कि मोहम्मद नवाज वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे और यहाँ पे शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग कर रहे थे। वहीं पे मोहम्मद नवाज ने जब एक बड़ा शॉट खेला तो शान मसूद के पिछले दाएं साइड के सर के पीछे यहाँ बॉल जाके लगी, जिसके बाद शान मसूद वहीं पे नीचे गिर गए। उसके बाद काफ़ी यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल वैन में रख के। उसके बाद शान मसूद को यहाँ पे हॉस्पिटल में कहा गया कि अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट पे रहेंगे, इसलिए वो T20 वर्ल्ड कप 2022 हमें नहीं खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मनोबल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ डाउन हो गया है। देखना दिलचस्प होगा क्या पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी कर पाएगी शान मसूद के प्रेजेंट में या शान मसूद के एब्सेंस में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।